बॉलीवुड में अगर एक आम सा आउटसाइडर एक्टर अपने बारे में कोई बात कहता है तो मीडिया में उसकी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन जब से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में गैंग और माफिया के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में चर्चा शुरू की है, तब से लगातार हर रोज कोई न कोई न्यूज तो हम सभी को देखने को मिली जाती है। और इसी के बाद एक और खबर देखने को मिल रही है, एक फिल्म आई थी रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म के लिए जब अनुष्का शर्मा को कास्ट किया गया था तो करण जौहर जो है वो नहीं चाहते थे कि अनुष्का शर्मा इस फिल्म का हिस्सा बने, वो चाहते थे कि सोनम कपूर को इसमें मुख्य भूमिका अदा करने का मौका मिले। उन्होंने करण जौहर ने आदित्य चोपड़ा से बात भी की थी कि अनुष्का शर्मा को बाहर कर दिया जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बात नहीं सुनी और अनुष्का शर्मा को कास्ट किया और फिल्म काफ़ी बड़ी सुपर डुपर हिट रही थी, रब ने बना दी जोड़ी। उस फिल्म के गाने भी बेहतरीन थे और फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था और अनुष्का शर्मा की गाड़ी वहीं से चल निकली थी, लेकिन उसके पहले एक फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात। करण जौहर ने ये बात पब्लिकली, एक फिल्म आई थी उनकी 2016 में ए दिल है मुश्किल, उसकी प्रमोशन के दौरान सामने मीडिया के कहा कि मैं नहीं चाहता था कि अनुष्का शर्मा इस फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन जब मैंने बाद में रब ने बना दी जोड़ी को भी देखा और उसके बाद बैंड बाजा बारात को भी देखा तब मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई कि अनुष्का शर्मा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इसका बॉलीवुड में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन करण जौहर तो नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस तरह के कई आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं और कई सारी खबरें हमने 2-2.5 साल में देख भी ली है। तो करण जौहर चाहते थे कि अनुष्का शर्मा एक आउटसाइडर है, उसे मौका ना मिले और अनुष्का शर्मा की जगह पर सोनम कपूर जो कि एक नेपो किड्स है उसे मौका मिलना चाहिए। हालांकि सोनम कपूर कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है ये बात तो पूरा देश जानता है, बस ऑस्कर मिलने की देरी है। न जाने क्यों ऑस्कर वाले सोनम कपूर को अभी तक तो कोई अवार्ड दे ही नहीं रहे हैं, मतलब ऑस्कर वालों को भी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनम कपूर की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ जो नेपो किड्स की वैल्यू जो है वो ये करण जौहर को ही होती है। इसी पर लोग कह रहे हैं ये तो वो किस्सा हो गया जो हमें पता चल गया, वरना ऐसे न जाने कितने किस्से होंगे जो करण जौहर ने आउटसाइडर के साथ किए होंगे जो हमारे सामने कभी आए ही नहीं और न कभी आएंगे। करण जौहर ने न जाने कितने ही आउटसाइडर जो टैलेंटेड थे उनका करियर खत्म कर दिया होगा और उनकी जगह पर मौका नेपो किड्स को दे दिया होगा। अगर आदित्य चोपड़ा करण जौहर की बात मान लेते तो अनुष्का शर्मा का करियर वहीं पर समाप्त हो जाता, क्योंकि किसको पता चलता कि अनुष्का शर्मा टैलेंटेड है कि नहीं है। करण जौहर के ऊपर यही आरोप लग रहा है कि रब ने बना दी जोड़ी के लिए वो एक नेपो किड्स को आगे प्रमोट करना चाहते थे और जबकि अनुष्का शर्मा को बाहर निकलवाना चाहते थे। अब करण जौहर को इन सब बातों का क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि करण जौहर काफी कंट्रोल हो चुके हैं लेकिन इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है।